जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुवा। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने में पेशा की नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने झारखंड में पेशा एक्ट पर सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई और साथ ही राज्य सरकार को 2 माह में पेशा नियमावली लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा कि पेशा कानून के बने 28 साल हो गए, झारखंड बने भी 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन नियमावली लागू नहीं की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला 2021 से कोर्ट में लंबित था। इस बीच अदालत ने कई निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने अब तक नियमावली लागू नहीं की है। अदालत मामले में सरकार को और समय नहीं देना चाहती, इसीलिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि राज्य में जैसे तैसे काम हो रहा है, यह गंभीर मामला है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है, इस पर काम हो रहा है। राज्य में पंचायती राज अधिनियम और दूसरे अधिनियम के माध्यम से पेशा एक्ट के प्रावधान लागू किए गए हैं। विस्तार से जानकारी देने के लिए सरकार ने अदालत से समय मांगा, जिसे अदालत ने इनकार कर दिया। देखिए, सरकार चाहे भाजपा की हो या झामुमो गठबंधन की, सरकारी आदेशों के तहत दोनों एक जैसे ही काम करते हुए नजर आती है। यहाँ पर भी सरकार कह रही है कि राज्य में पंचायती राज अधिनियम 2001 और दूसरे अधिनियमों के माध्यम से पेशा एक्ट के प्रावधान लागू किए गए हैं, जबकि इस अधिनियम में पेशा 1996 के सिर्फ 7 प्रावधानों को पूर्णतः या अंशतः अधिनियमित किया गया था और पेशा कानून में कुल 23 प्रावधान है। मैं विषयों और बिंदुओं के आधार पर यह तथ्य दे रहा हूँ। सरकार का यह स्टैंड भाजपा के समय भी सेम ही था। पंचायत भवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, यानी शॉर्ट में पेशा अधिनियम 1996 हम कहते हैं, यह 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। उस एक्ट की धारा 5 के आधार पर 1 साल बाद यानी 24 दिसंबर 1997 तक इसका रूल लागू किया जाना था, लेकिन देश के किसी भी राज्य सरकार ने उस समय तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं उठाई। इस एक्ट का मूल उद्देश्य है कि आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन प्रदान किया जाए। स्वशासन और सुशासन में अंतर है। स्वशासन में ग्राम सभा के मार्फत सभी कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार बिना किसी रोक टोक के है, और सुशासन का मतलब किसी भी क्षेत्र में अच्छे प्रशासन से संबंधित है। स्वशासन खुद समाज के द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर किया जाने वाला काम है, तो सुशासन प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा संचालित करने की विधि है। संविधानिक परिभाषा में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिकार देने की इसमें बात कही गई है। इसके तहत लोक कल्याणकारी योजना गांव में ही बनेगी और ग्राम सभा के अनुशंसा पर ही काम किए जाएंगे। पारंपरिक व्यवस्था को भी इन इलाकों में मान्यता दी गई है, जबकि दूसरा ऐसा कोई कानून देश में नहीं है जिसमें पारंपरिक व्यवस्था को मान्यता दी गई हो, तो पेशा कानून एक ऐसा कानून है जिसमें आदिवासियों के पारंपरिक व्यवस्था को तो मान्यता मिला है। जैसे कि हमारे इलाके में मानकी मुंडा, संथाल इलाके में माझी परगना, डोकलो सोहर आदि। पेशा एक्ट अनुसूचित क्षेत्रों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। झारखंड के लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा जिलों में पेशा का रूल प्रभावी होगा। पेशा कानून अभी तक देश के 7 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लागू है। इन राज्यों में पेशा की नियमावली लागू की गई है। झारखंड और उड़ीसा ने अभी तक पेशा नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि झारखंड में सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा जारी किया गया था, जिस पर शायद अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं और आदिवासियों का हितैषी बोलकर झामुमो गठबंधन जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। जितना जल्दी हो सके
पेशा का नियमावली को लागू किया जाना चाहिए ताकि इस केंद्रीय कानून को राज्य स्तर पर आदिवासियों के भलाई के लिए उनके हक और अधिकार के लिए उपयोग किया जा सके। जब तक इसकी नियमावली नहीं बनेगी तब तक पेशा एक्ट के संवैधानिक प्रावधानों से आदिवासी दूर ही रहेंगे। जब इस रूल का फाइनल स्वरूप सामने आ जाएगा तब उसका विश्लेषण व्यापक परिदृश्य में हम करने की कोशिश करेंगे। इस समय के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक और तथ्यों पर ही जानकारी को मैं समर्पित किया हूँ। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को जोहार।